कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमः वंशाकृतश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सर्वथा मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमा सतशिष्मा भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासीवृंद उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णुवृंद मातृवृंद भूर्भुवः सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कथा प्रारंभ के पहले मैं थोड़ा दो शब्द कहता हूँ। ये ब्रजमंडल परिक्रमा इस बार तो बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया महाराज जी कृपा करके 21 से लेकर के 30 तारीख तक 30 नवंबर तक रखा गया क्योंकि ये जो वायरस जो है सर्वत्र फैलते जा रहे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे दिखते जा रहे हैं सब लोग आतंक में रह रहे हैं। देखते देखते ही हमारे वैष्णव संघ में कितने आचार्य लोग और एक एक करके इसमें भी संक्रामित हुए और चले गए भी। इसलिए क्या करें नहीं करें किंतु तथापि जितने भी दिन सन्निकट आने लगे परिक्रमा की आने लगे तब मैंने कहा था क्यों हम लोग बंद क्यों करेंगे। गुरु परंपरा के जो विचार जो है धारा को थोड़ा बहुत हम लोग धीरे धीरे चलते रहे इसलिए इस परिक्रमा को ही रखा गया विचार विमर्श करके ये हम लोग बाहर के निमंत्रण नहीं दे करके अपने मठवासी ब्रह्मचारी सन्यासी के द्वारा ये परिक्रमा हम करेंगे धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो इसके बीच में अभी जो आ गया फिर परिक्रमा की जो हम लोग जो है 7 से 12 तक के वृंदावन में है फिर 12 से लेकर के 21 तक कोई परिक्रमा नहीं रखा गया था तो मैंने विचार किया ये क्या की जाए। महाराज बोले ठीक है 16 तारीख जो है अन्नकूट महोत्सव जो है गोवर्धन में रखेंगे एक दिन के उत्सव है बाकी 7-8 दिन क्या करेंगे। तो मैंने इसी विचार करके कई बार मैंने प्रस्ताव दिया हो जाए रमरमाए रहे रौनक बने रहे क्योंकि भागवत कथा सुन करके विशेष करके कार्तिक महीने में भागवत जो हो जिसे अधिक फलदायक होता है। कई बार तो मैंने भी उत्साह दिया और फिर कभी भी निरुत्साह होंगे तरंग रंगनी के भांति कभी आगे कभी पीछे क्या करे क्या ना करे किंतु फिर इस बार जो है हमारे श्रीधर महाराज जी जो मिले काल परसों मिले थे ना बोले नहीं नहीं आप करो जरूर लोग आए। तो मेरा हृदय में और भी जोश आ गया देखो रात और रात ही वो कर दिया क्या बोले बैनर जो है छप दिया और भी हम भी प्रकाश भी ऐलान भी कर दिया नहीं
12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, 12 तारीख से लेकर 18 तारीख जो है हम मथुरा मठ में भागवत करें। आप लोग की सदियों की मेरा प्रबंध निवेदन है, आप लोग उस कथा में योगदान दीजिए और उत्साहित प्रदान करें। और कुछ चाहिए नहीं, आप लोग आने से क्या होता है, हमारे उत्साह बढ़ते हैं। ये गुरुदेव की प्रचार है, यदि भागवत नहीं हो 10-12 दिन के ब्रह्मचर्य इधर उधर चले जाएंगे, और 2-4 लोग शाम के समय जैसे आते हैं 15-20 आते हैं उतना ही होगा, किंतु देखो भागवत हो कम से कम 100-150 लोग तो आएंगे, हम उम्मीद रखते हैं। कथा जो भागवत हो, विशेष करके मथुरा में भागवत कथा हो, तो जरूर 100-200 लोग जरूर आ जाएंगे और उत्साह रहना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा प्रचार ही हमारे जीवन है, प्राण है, प्राण आते जेतु सेहेतु प्रचार। आज भी कल तो मरेंगे, कोई इसमें मर जाए और उसमें मर जाए, तो बड़ा बहाना मात्र है, शरीर छोड़ने के एक बहाना मात्र हो जाता है, किंतु वो जो होने वाला है उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और रोकने वाला है कोई एक ही व्यक्ति रोक सकते है, कौन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हाँ, ये भी हम भी कहते हैं, थोड़ा बहुत सावधान होकर के रहना चाहिए। सरकार जो नियम बनाया COVID-19 के रूल्स जो बनाया गया, उस रूल का हम फॉलो करते रहे, किंतु हरी कथा में कभी कंजूसी ना हो, इसलिए सभी लोग पुनः पुनः मेरा निवेदन है 12 तारीख से 18 तारीख तक आई, और सुबह हम समय भी कम करके रखा है, 3 बजे से लेकर के 6:30 तक रखा है, हम लोग जा सकते, क्योंकि ठंडी के समय है, जल्दी जल्दी हम छोड़ देंगे, तो इसलिए सभियों के सादर अभिनंदन और निमंत्रण है, आप लोग उसमें भाग लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम कथा प्रसंग में चलते हैं, हम लोग आज वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं, विशेष करके जहां जहां पर गए बहुत सुंदर सुंदर कथा हम लोग श्रवण किया, विशेष करके इमली तरह के बारे में हम लोग भी श्रवण किया, किस प्रकार कृष्ण राधा जी विरह में कैसे शेष वर्ण हो गए, ये सब कथा भी हम श्रवण किया, और आगे बढ़ते ही हम सेवा कुंज में गए, पराक्रम परतत्व स्वयं भगवान वृंदावन श्याम सुंदर ब्रह्म आदि बड़े बड़े देवताओं की आराध्य, कैसे राहल के चरण में नतमस्तक होकर के सेवा आदि करें, जिससे जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद ग्रंथ में लास्ट लाइन को लिखने नहीं भूल गया, स्मरण कर मंडनम मम शिर से मंडनम यत्र हृदय, दूसरे लाइन लिख नहीं पाए, जिस लाइन को पूरा करने के लिए स्वयं कृष्ण जयदेव के रूप धारण करके और वो लिखा गया देही तव पद पल्लव मुदार। तो इसी कथा को कितने बड़े महत्व, श्री गुरुदेव कहते हैं वृंदावन के हृदय स्वरूप, ये सेवा पुंज कहा जाता है, सेवा ही परम धर्म, स्वयं भगवान दर्शन कराते हैं, ये कैसे हम सेवा करें, सेवा के व्यक्ति जीवे स्वरूप भवे कृष्ण दास के कर्तव्य क्या है, सेवा करना, और स्वयं भगवान भी उसी प्रकार सेवा शिक्षा भी दे रहे हैं, जब भी रसमान कृष्ण धीर ललित नायक है, धीर ललित नायक में विशेष करके प्रेसी वसीभूता, प्रेसी के प्रेम के द्वारा वसीभूत होकर के जैसे कहते हैं ऐसे वो करते हैं, ठीक उसी प्रकार धीर ललित नायक किस प्रकार कृष्ण के एक राधा जी के चरण में अलता भी लगाते हैं, और भी लगा नहीं पाते, राधा जी के ऐसे सुंदर चरण कमल को देख करके कृष्ण के हाथ कपने लगे, और अलता लगाने वाले जो क्या बोलते हैं जो तुली जो है वो भी क्या आगे नहीं बढ़ी, और केवल राधा जी के चरण में थोड़ी सी लगाया और आप कुछ नहीं, इतने सुंदर राधे के चरण कमल जो है देख करके कृष्ण तो आश्चर्य हो गया, राधा जी के चरण कमल कोई साधारण नहीं है, अंत में
कोई सखी जो है राधा जी के जो है कन्नर देखो ये मूर्ख है, गाय चराने वाली है, इसके शिल्प कला नहीं आते है, और देखो बाएं अंग से उनको थोड़ा धक्का दे दिया, और देखो कृष्ण के हाथ में जो तुली जो है वो क्या थोड़ा ऐसे से हो गया, और अंत में राधा जी की चरण कमल चमती चरण कमल की जो लाल आभा जो है कृष्ण के सिर पर लग गया, और कृष्ण उससे भी प्रसन्न हुए, देखो राधा जी के चरण छाप लेकर के मैं सर्वत्र जो है विजय घोषणा करता हूँ, राधा जी के जय ही हो, राधा जी के जय यही तो दिखाते हैं। वृंदावन की महिमा क्या है, वृंदावन की महिमा सर्वत्र घोषित होता है, इस कृष्ण स्वयं करते हैं दिखाते हैं, परात्पर प्रतत्त कृष्ण दिखाते हैं, भागवत में जिसका ऐसे गुणगान कर रहे हैं, वेद पुराण परिषद में जिसको कहते जा रहे हैं, और हमारे गोस्वामी वर्ग वही कृष्ण के जो है राधा जी के चरण कमल में नतमस्तक होकर के ही दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक श्लोक जी लिखा है प्रबोधानंद सरस्वती पाद में, जब केंद्र से बहु से खोलू पाप वाणी नित्तम पर सब कुछ शिखंड मूले जस्सा पदार्थ देवी सवान जाया सब के लिए गुंजे भवनांगन माजन ईशान, जिससे हमारी प्रबोधानंद सरस्वती की कृपा है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या बोले, जो कृष्ण लीला में साक्षात तुंग विद्या सखी है, विद्या के श्रेष्ठ भी तुंग विद्या का है, वो तुंग विद्या सखी प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में आकर के कितने दीनहीन होकर के कह रहे, देखो निधुवन की कथा वर्णन करते जा रहे हैं, जिस निधुवन की एक झाड़ू का झाड़ू के सलाका होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, झाड़ू होना तो संभव नहीं है, बोले झाड़ू के सिख सलाकू रूप में मेरा जन्म हो, इसी तरह जब किंतु जो बहुत खोलो का आप वाणी श्रीमती राधिका जब मानवती हो जाते हैं मान कर लेती है, तब से कृष्ण के कृष्ण राधा जी को मान मनाने के लिए जिस पुण्य के द्वार पर खड़े हो जाते हैं है? और राधा जी दरवाजा को बंद करके अंदर में चले जाती हैं, और उस दरवाजा के बाहर जो है उनके सखियां मंजरे जब खड़ी रहती है, और उनके चरण में कृष्ण नतमस्तक होकर के गिड़गिड़ाते हैं, नाक रगड़ते हैं, कान पकड़ करके उठते हैं बैठते हैं, ये ऐसे भरण किंतु तथापि अनुमोदन नहीं है, इसलिए कहते हैं जतन बहुत से खोलो का वाणी बोले है? देखो इसी लीला की तो हमारे वर्णन करते हैं, कृष्ण जब अनुमोदन नहीं मिला उसके बाद राधा जी के कुंज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिला तो कृष्ण क्या हो गया, अत्यंत निराश हो गए, निराश होकर यही जमुना के तट पर आ गए, और जमुना के तट पर आकर के काम बाण में बित होकर के छटपटाने लगे, जैसे बहले के तीक्ष्ण सर के द्वारा हिरण जैसे बित होकर हिरण जैसे छटपटे छटपटाते रहते हैं, उसी प्रकार कृष्ण काम बाण में बित होकर के यही जमुना के तट पर छटपट छटपट करने लगे, विचार करने लगे क्या करें, और इतने समय पूर्णमासी देवी पधारी, पूर्णदासी बोले हे कृष्ण चिंता मत करो तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था करता हूँ, बोले पति शीघ्र ही वृंदादेवी आ गई, वृंदादेवी जब पधारे तो वृंदादेवी के देख करके कृष्ण कहने लगे वृंदे बताओ मैं कैसे राधा जी के साथ कैसे मिलूं, तो वृंदादेवी कहने लगे सहज उपाय है राधा जी के मिलने के सहज उपाय है, बोले क्या बताइए, बोले देखो मैं जैसे कहूंगी ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा, बोले ठीक है आप जैसे कहो ऐसे नहीं कहो, बोले देखो पहले जो है ये काम करो तुम्हारे सुंदर जो घुंघराले वाले बाल जो है इसको क्या करो मुंडन करो, अच्छा कृष्ण मुंडन कर लिया, फिर और क्या है ये त्रिभंग भंगिमा नहीं रहेगा, त्रिभंग फोर्ड एलियंस ये कैसे हो जाए सीधी बाल हो जाओ, अच्छा सीधी बोल ये बंसी जो है मुझे दे दो, अच्छा बंसी दे दो, और देखो तुम्हारे ये पीताम्बर जो चढ़े हुए ये पीताम्बर छोड़ दो, क्या करना पड़ेगा भिखारी के वेश ले लो, बोले कौन सा भिखारी, ये देखो ये भगवा वस्त्र पहन लो, बहुत सुंदर जो है ये वस्त्र पहन, ये खंजनी ले लो, खंजनी समझते हैं जैसे ऐसे फिर बजाती है, बाउल लोग जो है एक हाथ में वो रखते हैं
तानपुरा रखते हैं और दूसरे हाथ में खंजरी बजाते हैं। बोले खंजरी ले लो, महापुरुष ने यहाँ पर जो है तानपुरा नहीं दिया, केवल खंजरी ले और खंजरी लेकर के बस जाओ कुंज के पास जाकर के एक हे राधे लिए ही कृष्ण सन्यासी हो गया। दार दार में घर घर में जाकर के भीख मांग रहे, प्रेम की भिक्षा मांग रहे हैं। संत महात्मा जैसे जो भिक्षा करने लगे, क्या भिक्षा मांगते? प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। उसी प्रकार वृंदादेव के आदेश प्राप्त करके कृष्ण क्या बने? साधु बने। कृष्ण भी वचन दिया, न पारं निबद्धं सो सब सब न पारं निबद्धं साधु में लेकर के तुम्हारे ऋण को मैं उतारू। इसके टीकाकार वैष्णव ने इसी प्रकार व्याख्या करते है। कृष्ण जब ने कृष्ण जब कहा हे राधे आपके प्रेम में मैं ऋणी बन गया, ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके भी आपके चरण सेवा करने भी ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। किंतु प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से कभी ऋण से ऋणी नहीं रह सकते, उसके मुक्त करने। बोले मुक्त कैसे हो? बोले साधु वेश धारण करो। जब तुम साधु वेश धारण करके प्रेम की भिक्षा करोगे तब ऋण से मुक्त हो। हमारे आचार्य गोविंद कृष्ण सुंदर इसमें व्याख्या आदि किया है। देखो उन्होंने आकर के केपी और खंजनी लेकर के बात वही कीर्तन अत्यंत सुंदरी सुंदर सर से कीर्तन करने लगे। हे राधे तुम्हारी प्रेम से है और तुम्हारे साथ मिलने के लिए ही कृष्ण आज दार दार है। देखो वो गापो कीर्तन जो है राधे के कान में पहुंचे है। राधा जी सुन करके रोने लगे है। ये मेरे प्रेम प्रेम से कृष्ण आज क्या कर रहे हैं? सन्नास वेश लेकर के विधारी वेश लेकर के दार दार में भी जो परात्पर परतत्व भगवान आज क्या कर रहे हैं? दार दार में घर घर में जाकर के भिक्षा मांग रहे है। राधे परेशान नहीं, राधा जी के मुखारविंद से शिक्षास्त्र के जो अंतिम हमारे गुरुबंधु गोस्वामी महाराज कहते हैं जब कृष्ण साधु वेश लेकर के वही कुंज के आसपास में ये कीर्तन करने लगे, राधा जी ही इस श्लोक का उच्चारण किया। गौरवंद कृष्ण महाराज ने ऐसे लिखा राहुल की राहुल के पर रोने लगी। बस ललिता विशाखा आदि राहुल के ऐसे विवश अवस्था देख करके विचार करने लगे क्या की जाए। ललिता विशाखा समझ गई ये कोई भिखारी साधारण भिखारी नहीं है, ये भिखारी कौन भिखारी है? विचार करने लगे भाई जितने भी अंग के ढाक लिया जाए किंतु उसे गंध कहां जाएगा। कृष्ण अभी भिखारी बन गए, भिखारी बन करके और अंग के तो ढाक लिया गौर वर्ण के द्वारा अंग के ढाका है, पीतांबर के छोड़ करके और उन धारण किया बंसी के छोड़ करके केवल वो क्या खंजरी बकरताल लेकर के जाए कीर्तन कर त्रिभंग के छोड़ करके सीधी हो करके चल रहे सुंदर घुंघराले बाल को जो है मुंडन करके और कैसे साधु के भाषी कैसे करेंगे। उस समय ललिता विशाखा के बुलाया हे साधु आप हमारे कुंज की तरफ आई। देखो उस समय वृंदादेव के द्वारा शिक्षा प्राप्त श्याम कृष्ण कल नहीं देखो हम किसके पास जाते नहीं है, विशेष करके स्त्रियों के पास तो जाना ही नहीं है। मात्र ससुरावा द्विता दीप्ता समवत बसे बलवान इंद्र ग्राम विद्वानपि संकर्षयति। अरे बड़े बड़े विद्वान लोग भी स्त्रियों की मोह वाक्य के द्वारा मोहित होकर के बस भ्रष्ट हो जाते, हम नहीं जाते
किंतु हृदय में उथल पथल मच रहे हैं, किंतु बाहर क्या कर रहे? बोले हम नहीं जाते। अच्छा है, दो चार बार कहा अच्छा ठीक है। मैं तो देखो हमारे एक सखी जो है बहुत दुखी है, उनके थोड़ा आप जो है बात आदि देख करके थोड़ा बता दू उनके कैसे ठीक है। संत महात्मा क्या बोले, साधु क्या बोले? बोले हम हाथ पाथ नहीं देखते है। गुरुदेव जी कहते सन्यासी को भी हाथ पाथ ना देखे। हाँ समझ में, हाथ एक बार हाथ पर से हो गया तो गए गए अकबर जीवन में नष्ट हो गया। देखो गुरुदेव कहते थे विश्वामित्र इतने कठोर वैराग्य करके तपस्या आदि करने लगे, और देखो इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर के मेनका केवल हाथ की क्या वो चूड़िया बजा दी, बस उनके ध्यान भंग हो गया और मेनका की मेनका सुन उनको हाथ पकड़ लिया और हो गया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसी प्रकार ये कहते हाथ हम हाथ नहीं देखते। अच्छा हाथ नहीं देखते क्या, अरे कुछ तो करके बताओ कुछ। अच्छा ठीक है और उधार बोले मैं इसे ललाट देख करके बता दे सकते क्या देखते कैसे ललाट दूर से ललाट नहीं एक कप के ऐसे जो है माथा जो है इसको देख करके मैं बता दे सकता हूँ इसके दुख के कारण है और इसके कैसे निदान हो। अच्छा ठीक है ललिता विशाखा आदि अंदर में जा करके बोले एक संत महात्मा आए बहुत दिव्य संत महात्मा त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले संत महात्मा ये आए हैं राधे तुम्हारे सारे जो है दुख के बारे में बता देंगे और तुम आनंद लो। राधा जी क्या बोले, बोले परम पुरुष का हम तो दर्शन नहीं करते है। वास्तव में सत्य है राधा जी के एकमात्र निष्ठा किसमें कृष्ण है, एकमात्र गोविंद दर्शन गोविंद बिना नहीं स्पर्श अन्न जन चैतन्य चैतामृत में स्पष्टीकरण कर दिया। राधा जी के ऐसे सदित्व की निष्ठा है एकमात्र गोविंद छोड़ करके किसके भी पर्सन भी नहीं करते। यह तो नहीं कृष्ण के वही अवतार आदि भी हो तथापि उसको भी पर्सन नहीं करें। राधा जी के ऐसे निष्ठा है गोविंद बिना नहीं पर्से अन्न जन है बड़े नहीं लगे। ललिता भी सखा बार बार कहीं पर आड़े कोई भी बात नहीं थोड़ी सी दूर तो बैठोगे तुम है। और वो सन्यासी त्रिकालदर्शी सन्यासी केवल तुम्हारी जगह ललाट माता को देख करके बता दें। बहुत बार बोलने पर राधा जी आए वो भी घोट लगा करके और बोले यार थोड़ा तो खोलो ऊपर करो देखो। जब राधा जी अपने घूट के थोड़ा ऊपर कर लिया है अब उस समय सन्यासी ठाकुर राधा जी के आंखों की तरफ दर्शन किया। राधा जी सन्यासी देखो देखते देखते एक दूसरे की रख नहीं पाया, कृष्ण भी सन्यास वेश रख नहीं पाया है। माने वो साधु क्या करे सन्यास वेश नहीं गए, क्या हो गया अपने स्वरूप में आ गए, अपने स्वरूप क्या कृष्ण रूप में आ गए। और तब सखिया ने कह दी जीवन सरकार के जय एक स्थान पर बैठा करके क्या जय जय राधा कृष्ण इसी प्रकार राधा गोविंद किसी प्रकार मिलन ये समस्त तो लीला जो है ये वृंदावन छोड़कर कहा होगा बताओ। हमारे गौरवंद गोस्वामी महाराज उसी संदर्भ में लिख रहे हैं ऐसे सुंदर जो लीला कहां पर, वही कृष्ण ही तो चैतन्य महाप्रभु है और महाप्रभु कृष्ण ही तो दिखा दे जा रहे हैं। गौर से कृष्ण अभिन्न है और कृष्ण से गौर अभिन्न है, इसलिए गौर गोविंद की लीला यही हमारे वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम में अनेक ही तात्पर्य है, दोनों लीला का हम स्मरण करें और एक मिलन लीला इसके संभोग और विप्रारंभ महाप्रभु की लीला को कहा जाता है विप्रारंभमय लीला कहा जाता है और कृष्ण की लीला को कहा जाता है क्या संभोगमय लीला। किंतु दोनों लीला ही एक ही तात्पर्य है, जैसे एक कॉइन के जो है दो स्थान है दो पीठ कहा जाता है उसी प्रकार मिलन और विरह, विरह और मिलन
इसलिए गौर और कृष्ण, गौर लीला और कृष्ण लीला। हमारे आचार्य बात भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जयधर्म में वर्णन करते हैं, गौर के अनुगत्य में राधा गोविंद के सेवा करने पर साधक सिद्धि अवस्था में जाकर के उनके आत्मा के दो विभाजन होकर के एक ही साथ में है नवद्वीप धाम पीठस्थल जो है विक्रम पीठस्थल शतद्वीप धाम में वहीं पर गौर की सेवा करें। और दूसरी क्या है, ये अपराध जो गोलोक वृंदावन संभव स्थान राधा गोविंद की सेवा प्राप्त करें, इसलिए गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा है, यही हम प्रार्थना करते हैं। वृंदावन आने की यही तात्पर्य है, हम ये कथा को स्मरण करें, राधा गोविंद की कथा।